नमस्कार मित्रों, आज हम रीट 2020 लेवल 1 पर्यावरण अध्ययन का पहला टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसका नाम है एकल और संयुक्त परिवार। तो देखिए मित्रों, एकल और संयुक्त परिवार को वैसे तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जब ये टॉपिक दे ही दिया रीट के लिए तो इसको देख लेते हैं। तो परिवार क्या होता है? परिवार में सदस्य रहते हैं, मम्मी पापा भाई बहन, ये सभी परिवार में रहते हैं। अब ये परिवार दो भागों में बांट देते हैं हम। पहला है संयुक्त परिवार और दूसरा है एकल परिवार। एकल परिवार को हम एकाकी परिवार भी कह सकते हैं। तो देखिए, संयुक्त परिवार में क्या होगा? संयुक्त परिवार में परिवार का मुखिया रहेगा, उसके बाद में उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे और फिर उनके बच्चे, मतलब एक या दो पीढ़ी उसमें रहेगी। उसके बाद में एकाकी परिवार की बात करते हैं तो केवल उसमें एक माता पिता रहेंगे और उनके बच्चे रहेंगे। तो ये हो गया संयुक्त परिवार और ये हो गया एकाकी या एकल परिवार। उसके बाद में मित्रों, विश्व परिवार दिवस जो मनाया जाता है 15 मई को ये मनाया जाता है। और 1994 में जो UNO है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने ये घोषित किया था। उसके बाद में जो संयुक्त परिवार है वो धीरे धीरे कम होता गया और एकल परिवार धीरे धीरे बढ़ता गया। तो यहाँ कुछ कारण है जो कि संयुक्त परिवार के विघटन के कारण है। यहाँ पहला है औद्योगिकीकरण। उद्योगों का जैसे जैसे विकास हुआ, वैसे वैसे लोग अकेले रहने लगे, शहरों में लोग बाग जाने लगे काम करने के लिए, तो वहाँ उनको अकेला रहना पड़ा, इसलिए एकाकी परिवार की ओर बढ़ावा मिल गया। उसके बाद में नगरीकरण है, शहरों में जाने की लोगों की सोच। उसके बाद में है शैक्षिक विचारधारा, जैसे जैसे लोग पढ़ते गए उनकी विचारधाराएं बदलती गई, उससे भी जो परिवार है वो एकल हो गए। महिलाओं का सशक्तिकरण, जैसे जैसे महिलाओं को अधिकार दिए गए वैसे वैसे परिवार का विघटन चालू हुआ। तो इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण, इसमें देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि महिला सशक्त हो तो एकल परिवार में ही रहे, लेकिन ये एक कारण दे दिया गया है कि जैसे जैसे महिला सबल होती गई वैसे वैसे एकल परिवार में वृद्धि होती गई। उसके बाद में पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, जो पश्चिमी देश हैं उनकी संस्कृति को लोग बाग अपनाने लगे, जिससे कि एकल परिवार बनता गया। विवाह व्यवस्था में परिवर्तन, पुराने ज़माने में जो विवाह होते थे तो पूरे गांव को बुलाना पड़ता था, आजकल कोर्ट मैरिज या और भी तरीके चलने लगे हैं विवाह के, सगे संबंधी बहुत कम आते हैं। जनाधिक्य, जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती गई परिवार में लोग बढ़ते गए, लोग बढ़ने से उनके रहने के लिए जगह भी कम पड़ने लगी, इसलिए परिवार एक एक हो गए। उसके बाद में आवास की समस्या, जनसंख्या वृद्धि होने से या फिर जनाधिक्य बढ़ने से आवास में कमी हो गई, जिसके कारण एकल परिवार को बढ़ावा मिला। संचार और परिवहन, ये मुख्य साधन रहा है एकल परिवार के बढ़ने में। पुराने ज़माने में साधन होते नहीं थे, लेकिन इस टाइम पे इतने साधन चल गए कि 500-500 किलोमीटर से लोग चलकर मिलने आ जाते हैं, तो ये एकल परिवार को बढ़ावा देने वाली चीज़ है। उसके बाद में पारिवारिक झगड़े, अनबन जो है वो भी एकाकी परिवार को जन्म देने वाली है। तो मित्रों, संयुक्त परिवार जो है वो पुराने ज़माने में सही थे और उनमें लोग जो रहते थे उनका जो मानसिक संतुलन है वो भी सही रहता था। एकाकी परिवार से कई नुकसान भी है, कई फायदे भी हैं। उसके बाद में हम कुछ अधिनियमों का अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
तो सबसे पहला जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है वो लगा 1929 में, ये सती प्रथा के आसपास अंग्रेजों के टाइम पे लगा था। उसके पश्चात हिंदू महिला संपत्ति का अधिनियम, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार दिया गया, तो ये अधिनियम लगा हमारा 1937 में। उसके बाद में विशेष विवाह का अधिनियम, ये लगा था 1954 में। आजादी के तुरंत बाद ये काम होने लगे, जैसे जैसे सशक्त भारत बनता गया वैसे वैसे अनेक अधिनियम पारित होते चले गए। उसके बाद में भारत शासन अधिनियम के लगभग आसपास 1955 में ही बना हिंदू विवाह अधिनियम या हिंदू विवाह एक्ट। उसके बाद में सबसे लास्ट में जो दहेज प्रति निषेध अधिनियम है, दहेज लेने का जो गुना जिसको घोषित कर दिया गया, वो अधिनियम 1961 में लगा। तो ये थे कुछ अधिनियम जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है। उसके बाद में कुछ वैज्ञानिक है जिनके आधार पर परिवार को परिभाषित किया गया, उनका वर्गीकरण किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वार्नर की। तो वार्नर ने परिवार को दो भागों में विभाजित किया, पहला है प्रभु परिवार और दूसरा है प्रजनन परिवार। उसके बाद जो प्रभु परिवार होता है ये तो वो है जहाँ वो रहता है मनुष्य, उसके बाद में ये प्रजनन परिवार जहाँ पर वो जन्म लेता है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट थे मर्डोक नाम के साइंटिस्ट, उन्होंने एकाकी परिवार को आधार मानकर एक न्यूक्लियर फैमिली नामक परिभाषा दी जो कि 1949 में दी। यदि आपसे पूछा जाता है कि न्यूक्लियर फैमिली का जो संबंध है वो किससे है, तो वो है मर्डोक नामक साइंटिस्ट से। उसके बाद में लेस्ली और गारलैंड नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक जनजाति है खारिया जनजाति उसमें अध्ययन किया विस्तृत परिवार और विवाह संबंधी परिवार, ये भी दोनों एक संयुक्त परिवार के प्रकार हैं, इसका अध्ययन किया गया खारिया जनजाति में। तो मित्रों संयुक्त परिवार में केवल इतना ही, और रीट का अगला टॉपिक लेके मिलते हैं इससे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।